दोस्तों देखिए, आपको अगर लाइव चलाना है तो आप चला सकते हैं, आपको मतलब क्या होना चाहिए तो आप चला सकते हैं। देखिए काफ़ी मतलब आपके पास नॉलेज होना चाहिए और पैसा होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल बने हैं, जैसे हमारा आप वीडियो देख रहे हैं उसी तरह हर चीज़ में जो है कि अनुभव मिल जाता है। तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास बजट यानी पैसा होना चाहिए, तभी आप लैब को चला सकते हैं। और जो है कि लैब में सेटअप किस तरह मैंने इंस्टॉल करना होता है, कैसे क्या और करना होता है, बाकी सब वीडियो में हमने अपलोड कर रखा है, मगर थोड़ा सा इस वीडियो में बता देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लैब रख लिए और आपको 8x360 मशीन में इंस्टॉलमेंट कराना है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए इसमें नहीं पैसा देखना है कि आपके पास पैसा है तो तुरंत मशीन खरीद लीजिए, मशीन को बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। पहले आपको 6 महीना या साल भर लैब को चलाना है, ठीक ना। और उसका पर डे सैंपल यानी कितना सीवीसी आ रहा है जहाँ से आपके लैब में, और 4 सैंपल आ रहा है तो उसका रेशियो निकालना है, 8 सैंपल आ रहा है तो उसमें रेशियो निकालना है, रोज मतलब अनुमान लगाना है कि आपके लैब में पर डे सैंपल सीवीसी कितना आ रहा है। उसके बाद ही आपको पैसा लगाना है 8x360 मशीन लेने के लिए। आप इंडिया में कहीं भी हो, किसी स्टेट में हो, आप मशीन ले सकते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर से, हमसे नहीं। अगर हमारे उत्तर प्रदेश से है तो आपको हम सही रेट से मशीन दिलवा देंगे। तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपने अनुभव के हिसाब से काम करिएगा, ठीक ना। और देखिए मशीन को चलाने के लिए कोई ट्रेनिंग की, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप कोई बाइक चला, गाड़ी चला रहे हैं तो पहले गाड़ी चलाने के लिए, स्टीयरिंग चलाने पकड़ने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। तो इसी काम करना नहीं है, बस मशीन लगा दिए, थोड़ा सा इंजीनियर आपको बता देगा क्या क्या करना पड़ता है। और किसी प्रकार की दिक्कत होती रही मशीन चलाने में तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या जिसके माध्यम से मशीन इंस्टॉलमेंट कराए हैं उसको फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि सर हमको ये इशू आ रहा है, कैसे क्या करना है, तो वो आपको फ़ोन पर ही बता देगा। जरूरत पड़ी तो, अगर जरूरत वैसी पड़ी तो आपके लैब में भी आपको मशीन को चालू कर देगा या चला देगा, ठीक ना। अब बात आ गई कि आपको मशीन को लंबे समय तक चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कुछ करना नहीं है दोस्तों, आपको मशीन का वोल्टेज बढ़िया देखना है, और जो है कि मशीन को शट डाउन करते समय आपको क्लीनर का यूज करना है यानी पिलाना है। दूसरी बात कि आपको मशीन में जैसे चूहा घुस जाते हैं, मशीन कुतर देते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना है। इतना आप ध्यान दे रहे हैं तो आप मशीन को बिल्कुल चला सकते हैं, आप इंडिया में कहीं भी हैं मशीन को चला सकते हैं। और जो है कि इसको चलाने के लिए काफ़ी मतलब अनुभव की जरूरत नहीं पड़ती है, बस जानकारी होना चाहिए जांच करने की, जैसे आपको डिप्लोमा होना चाहिए DMLT का, और जो है कि आपके पास पैसा होना चाहिए ताकि आप मशीन खरीद सके और अपना लैब को चला सके। अनुभव की कोई जरूरत नहीं होती है। बहुत सारा वीडियो हमारा अपलोड हो गया है यूट्यूब पर, आप वो देख सकते हैं, तो उसमें बहुत सारी हमने बातें बता रखी है। तो इस तरह की जो है कि वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए हमने बहुत सारा वीडियो बना रखा है, उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस डाल रखा है, और हमारा 8 साल पुराना लैब है, हमने इससे जो है कि काफ़ी मशीन से पैसा कमा रखा है। तो इसी तरह हम सोच रहे हैं कि आप भी कमाइए। तो दोस्तों अगर आप एडमिशन कराएं DMLT में तो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो तभी आप चलाक हो गए हैं, और लैब खोल रहे हैं तो हमारा वीडियो देख लिए मौके पर तभी आप चलाक हो गए हैं। तो इसमें सही गलत की पहचान आपको मिल जाती है, ठीक ना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हर एक अनुभव सबके साथ नहीं होता है, हमारे वीडियो के साथ जरूर मिलेगा। धन्यवाद।